रात भर लखनऊ की सड़कों पर भटकने वाला ये 8 फुट 3 इंच लंबा आदमी कौन था, जानकर नहीं होगा यकीन। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले एक 8 फुट 3 इंच लंबा आदमी लखनऊ की सड़कों पर अकेला भटकता हुआ देखा गया था। वह लोगों को अपनी बातें मुश्किल से समझा पाते थे, क्योंकि उनकी भाषा भारतीय भाषा से भिन्न थी और वे अपनी ऊंचाई और वेशभूषा से भी भारतीय नहीं दिखते थे। रात भर लखनऊ की सड़कों पर भटकने वाला ये 8 फुट 3 इंच लंबा आदमी कौन था, जानकर नहीं होगा यकीन। अधिकांश भारतीय इतने लंबे व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित थे और कुछ उनके साथ सेल्फी ले रहे थे, जबकि अन्य उनके शब्दों को समझने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया और लखनऊ की सड़कों पर भटक रहा था। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि बाद में पता चला कि उसका नाम शेर खान है और वह अफगानिस्तान से आया था। यह व्यक्ति भारत में आयोजित होने वाले वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच को देखने के लिए भारत आया था। आपको बता दें कि वह लखनऊ की सड़कों पर अपने लिए एक होटल का कमरा ढूंढ रहे थे। किसी भी होटल ने उसे रहने के लिए कमरा नहीं दिया, उसे अजीबोगरीब वेशभूषा और लंबी काठी दी। वह आखिरकार रात में पुलिस स्टेशन पहुंचा। इस शख्स ने शेर खान ने अपनी बात पुलिस को बहुत समझाई, तब पुलिस ने उसकी मदद की और उसे एक कमरा दिलवाया। हम इस घटना से कई बातें जान सकते हैं कि कभी कभी अजीब दिखने वाले लोग दिल के अच्छे होते हैं। किसी के चरित्र को उसके व्यक्तित्व और भाषा को देखकर नहीं आंकना चाहिए। अब हमें बताएं कि अगर आप उसके पास होते तो आप में से कितने लोग उसकी मदद करते।